हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और सेफ होंगे। आज आप मेरे पीछे का बैकग्राउंड देख के लग रहा हो कि मैं कहाँ शूट कर रही हूँ, तो मैं बता दूँ आज जहाँ मैं शूट कर रही हूँ, ये मेरे घर की टेरेस है जहाँ पर आज मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। काफ़ी अच्छा मौसम है और काफ़ी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो मैंने सोचा चलो यहीं शूट किया जाए। वेल, आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है एक बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है ये, खासकर बिगनर के लिए। अगर आपको बिगनर हैं आप और मेकअप करना आपको पसंद है, लेकिन आप महंगे प्रोडक्ट हम नहीं ले सकते हैं। खासकर मैं भी अपनी बात करूं तो मैं भी बिगनर ही हूं, मुझे भी कोई मेकअप करना ऐसा अच्छे तरीके से नहीं आता। मैंने भी यूट्यूब से देख देख के ही मेकअप सीखा है। वेल, जिस पैलेट की जिसकी मैं बात करी थी, खासकर हम बिगनर जब होते हैं हमें ऐसा लगता है कि यार हमें कुछ ऐसा पैलेट मिल जाए या हमें कुछ ऐसी चीज़ मिल ऐसी कुछ पैलेट मिल जाए सस्ती सी, जिसका कवरेज भी अच्छा खासा हो और लॉन्ग लास्टिंग हो, ब्रांड भी अच्छा हो, अच्छी कंपनी में चीज़ें मिल जाए। तो मैं आज उसी चीज़ इसकी बात कर रही हूँ। मैं बात करने वाली हूँ आपको स्विस ब्यूटी का। ये है अल्ट्रा बेस कंसीलर पैलेट। ये कंसीलर बहुत ही अच्छा कंसीलर इस टाइप की पैकेजिंग में आता है ये, और इसकी क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी क्वांटिटी है इसका। इसका प्राइस जो है साढ़े चार सौ रुपये इसका प्राइस है। 449 मिनिमम 450 रुपये इसका प्राइस है, बट मैंने इसे मार्केट से कम प्राइस में लिया है। और स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे हैं, और जो स्विस ब्यूटी जो है वो इंडिया का ब्रांड है, तो काफ़ी अच्छा ब्रांड है स्विस ब्यूटी का। और मैंने इसे मार्केट से लिया है, लेकिन आप इसे ऑनलाइन भी शॉप ले सकते हैं। मीशो में भी है ये, एंड फ्लिपकार्ट, अमेजोन, पर्पल, ऑल ओवर सारे वेबसाइट में आपको उसका मिल जाएगा आपको ये। मैं जिस जिस की लिंक मुझे मिलती है मैं सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। अब इसकी बात कर लेते हैं। अब ये बोलेंगे ये पैलेट इसलिए बिगनर के लिए हेल्पफुल होती है क्योंकि इसमें आपको पूरे 8 शेड मिलते हैं। इस टाइप के 8 शेड्स आपको मिलते हैं। ये कलर करेक्टर मिलेगा आपको एक, ये आपको मिलेगा कंटूरिंग के लिए। कंटूरिंग के लिए आपको 2 शेड मिलेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, है ना। और ये आपको कंसीलर मिलता है थोड़ा लाइट कलर का, एंड एक ये कंसीलर, ये भी कंसीलिंग का काम करेगा, और ये वाला भी अच्छा खासा शेड है ये। मतलब ये सारे कंसीलिंग के सेट हैं। और एक कलर करेक्टर मिलेगा आपको, एक मिलेगा कंटूरिंग, कंटूरिंग के लिए 2 शेड हैं। और इसे आप एज अ कंसीलर भी यूज़ करते हैं, जिसकी एकदम डार्क स्किन है उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एक थोड़ा सा येल्लो शेड में मिलेगा एक आपको कंसीलर। और इसकी जो क्वांटिटी है वो काफ़ी अच्छी खासी क्वांटिटी है, जिसका प्राइस के हिसाब से इसकी क्वांटिटी काफ़ी अच्छी है। और इसका शेड जो है, शेड नंबर है 02 02, इसका शेड है। इसमें 3 शेड आते हैं, 01, 02 और 03 आता है। 03 में आई थिंक 2 कलर करेक्टर मिलेंगे आपको, इसमें ऑरेंज है, उसमें ऑरेंज और ग्रीन दोनों मिलेंगे आपको, तो काफ़ी अच्छा है। आज मैं आपको इसी से अपना मेकअप बेस कंप्लीट करना सिखाऊंगी और दिखाऊंगी कैसे बेस कंप्लीट करते हैं अपना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने अपने CTM कंप्लीट कर लिया। CTM करना बहुत ज़रूरी होता है। अब आप बोलेंगे CTM क्या है, CTM बता दूं तो आपको सबसे पहले फेस को अच्छे से वॉश करना है। उसके बाद आप टोनर अगर आप यूज़ करते हैं तो टोनर जरूर लगाइएगा, टोनर बिल्कुल स्किप मत करिएगा। अगर आपके पास टोनर नहीं है, गुड वाइब्स का टोनर अच्छा होता है, मैं गुड वाइब्स का यूज़ करती हूँ। काफ़ी टोनर आते हैं प्लम के, गुड वाइब्स के काफ़ी उसके आते हैं, जिसका भी आपको यूज़ करना चाहे आप कर सकते हो। अगर आपके पास टोनर नहीं है तो मैं आपको ऑप्शन दूँ रोज़ वाटर का, आप रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद टोनर के बाद हम यूज़ करेंगे मॉइस्चराइज़र। अच्छा खासा आपको जो भी आपकी स्किन टाइप के हिसाब से आप मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। अब मॉइस्चराइजर यूज़ करने के बाद आप प्राइमर यूज़ करिए। प्राइमर मैंने लगा लिया है, मैंने पूरा अपना कंप्लीट करके ही आई थी मैं ऊपर। प्राइमर मैंने यूज़ किया है इनसाइड का प्राइमर भी काफ़ी अच्छा है और बजट फ्रेंडली है इनसाइड का प्राइमर। अब मैं आपको इसका मेकअप करके दिखाऊंगी। सबसे पहले आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं मेरे आँख के जो डार्क सर्कल है, तो डार्क सर्कल को हाइड करने के लिए आपको ये ऑरेंज वाला कलर करेक्टर यूज़ करना है। और ब्लेंड देखिए आप कितना अच्छे तरीके से, ये बहुत ही क्रीमी है ये। आप इसे फिंगर से भी ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। आप चाहे तो इसे ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ लगाऊंगी हाइलाइटिंग के लिए।
जहां भी आपको दाग है, डार्कनेस है आपके आंखों के नीचे या माउथ में, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। तरीके से आप यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे फिंगर के हेल्प से भी, आप इसे फिंगर के हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हैं, और चाहे तो ब्यूटी ब्लेंडर का हेल्प ले सकते हैं। मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर से हेल्प ब्लेंड करके दिखाऊंगी। कभी भी इसे डैब डैब करके वहीं जहां हमने लगाया है वहीं पे आपको इसको ब्लेंड करना होता है, आपको इसे फैला के ब्लेंड नहीं करना है। आप देख सकते काफी इजी तरीके से ये ब्लेंड हो गया है, बहुत ही इजी है इसे ब्लेंड करना। अब हम मैं कंसीलर लूंगी, मैं फाउंडेशन का यूज नहीं करूंगी, सिर्फ कंसीलर से ही मैं अपना मेकअप कंप्लीट करूंगी। कंसीलिंग के लिए मैं लूंगी ये वाला शेड, ये मेरी स्किन टोन से मैच हो जाएगा। ये आइए, कुछ लगता है कि कहीं कम है या कहीं कम पड़ रहा है, तो आप दोबारा से इसे लगा सकते हैं इस तरीके से, जहां आपकी डार्कनेस है या जहां आपको ऐसा लग रहा है कि कम हो गया है। अब आप देख सकते हैं कि मेरा कितना नेचुरल लुक दिख रहा है, काफी नेचुरल मेकअप बेस है। हाँ, ये बिगनर के लिए अच्छा, अगर आपको 1 से 2 घंटे के लिए या 3 घंटे के लिए आपको कहीं मेकअप करके बाहर जाना है या पार्टी फंक्शन अटेंड करनी है, तो उसके हिसाब से ये किट बेस्ट है। अगर आप ब्राइडल हैं, आप ब्राइडल बनने वाले हैं, तो बिल्कुल भी नहीं, मैं रिकमेंड नहीं करूंगी मैं कि आप ये किट लीजिए, है ना। सिर्फ आप 1-2 घंटे के हिसाब से ही इसको यूज कर सकते हैं इस किट को। तो अब मैंने बेस, मेरा कलर करेक्टर हो गया है, फाउंडेशन का काम हो गया है, कंसीलर मैंने लगा लिए हैं। अगर आप हाईलाइट करना चाहते हैं आँख के नीचे और भी ज़्यादा, मतलब थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहते हैं अपने आँख के नीचे, तो आप थोड़ा लाइट शेड अपने स्किन टोन के हिसाब से एक लाइट शेड यूज़ करिए। तो लाइट शेड ये वाला है, मैं ये वाला यूज़ करूँगी अपने आँख के नीचे। मैं यहाँ भी यूज कर लूंगी। इसको अच्छे से ब्लेंड, और काफी इजी तरीके से ब्लेंड हो जा रहा है ये। ज्यादा मेहनत या रगड़ने की जरूरत मुझे नहीं पड़ रही, एकदम टैप टैप करने पे ही ये अच्छे से ब्लेंड हो जा रहा है। यस, अपना मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं कंटूरिंग आपको करके दिखा देती हूँ, ये वाले शेड से मैं कंटूरिंग करूँगी।
मिष्टी। अपनी नोज कंटूरिंग भी करूंगी। वो गिर गया, वो कहाँ गिर गया, ये लगा के दू। मेरा कंप्लीट हो चुका है बेस, आप देख सकते हैं। आप चाहे तो नैकाग्रा में भी यूज कर सकते हैं, मुझे सिर्फ डेमो देना था आप लोगों को। अब मैं यूज करूंगी ये पर्पल का कॉम्पैक्ट। आप चाहे तो लूज पाउडर भी यूज कर सकते हैं या कोई भी कॉम्पैक्ट आप यूज कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं मेरा चेहरा कितना अच्छा दिख रहा है और मेरा मेकअप बेस कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आप आईलाइनर वगैरह यूज़ कर सकते हैं, आई शेडो वगैरह लगा सकते हैं, लिपस्टिक वगैरह लगा सकते हैं। इसके बाद अपना पूरा मेकअप कर सकते हैं आप। तो ये मुझे ये पर्सनली मुझे ये किट अच्छी लगी। अगर आप, मैंने बताया कि भाई 1 से 2-3 घंटे के हिसाब से ये मेकअप बेस जो किट है काफ़ी अच्छी है। कंसीलर जो पैलेट काफ़ी अच्छी पैलेट है और इतने कम बजट में आपको इतनी अच्छी पैलेट मिल रही है, खासकर बिगनर के लिए। तो मैं कहूँगी कि आप इससे बिल्कुल परचेज करिए और बिल्कुल ट्राई, अगर आप स्टार्टिंग करना चाहते हैं या ट्राई करना चाहते हैं मेकअप करना, स्टार्ट करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप इसी किट से स्टार्ट करिए। क्योंकि इसमें आपको ऑल ओवर सारे शेड मिल जाएंगे, सारे स्किन टाइप के शेड मिलेंगे आपको, तो बहुत ईजी होगा हमारे लिए मेकअप करना। एंड बार बार हमें हर एक कंसीलर या अलग अलग कलर करेक्टर या कंसीलिंग कंटोरिंग या कंसीलर की जरूरत नहीं पड़ेगी और ख़रीदना भी नहीं पड़ेगा। और इसके बाद अगर आप और भी महंगा कोई अच्छा हाई कवरेज वाला कंसीलर पैलेट लेना चाहते हैं तो वो आपको बजट के हिसाब से नहीं मिलने वाले, क्योंकि 500 क्योंकि जितने भी हाई कवरेज वाले कंसीलर हैं तो जितने भी हाई कवरेज के जो कंसीलर होते हैं वो आपको 500, 700, 1000 के अराउंड ही मिलने वाले हैं। आपको इतने कम बजट में बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं इसके लिए हाई रिकमेंड करूंगी। अगर आप बिगनर तो बिल्कुल से ट्राई कर सकते हैं। और मुझे फाइनली वाकई में मुझे बहुत अच्छा लगा ये कवरेज, काफ़ी अच्छा कवरेज दिया इसने। इतने कम बजट में काफ़ी अच्छा खासा कवरेज मिल गया हमें। अगर 1-2 घंटे का पार्टी मेकअप चाहिए तो ये मेकअप मतलब कंसीलर पैलेट काफ़ी अच्छी है। तो आई होप आप लोगों के लिए मेरा आज का वीडियो हेल्पफुल रहा होगा और आपको पसंद आया होगा। तो मेक श्योर आप मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाएंगे। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।